और दोस्तों अभी हम लोग स्टेशन से बाहर निकल गए हैं क्योंकि हम लोग का ट्रेन कैंसिल कर दिया गया है। पता नहीं ऐसा क्यों ऐसा हो गया, आज नहीं आएगी तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों अभी नहा धो करके फ्रेश हो गए हैं और अभी हम लोग का आया हुआ है, ये देखिए ऑर्डर किए हुए थे खाना, तो अभी ये देखिए इधर रोटी है, पांच तो रोटी है, इसमें तीन तो ही रोटियां आता है, हम लोग अलग से दो तो एक्स्ट्रा मंगाए हुए हैं। और ये देखिए सभी चीजें मंगाए हुए हैं और एक ही प्लेट में हो जाएगा ना, इसीलिए। और एक प्लेट मंगवाने खोज रहे थे लेकिन ये बोले कि नहीं एक ही प्लेट में हो जाएगा, यही वाला खाएंगे, पांच तो रोटी में हो जाएगा का। डाल दो नींबू और ये पापड़ दाल और ये क्या पता नहीं खाने में अच्छा ही लगता है, ये बोल वो मटर पनीर, मटर पनीर है वही बोल रहे थे भैया। चलिए खाते हैं, पूरा स्वादिष्ट लगता है। चम्मच एक ही तो डाल दिया ना। खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तुमको लगा सूखा रोटी है? तेल से फ्राई किया हुआ है। सूरत का खाना बहुत ही अच्छा लग रहा है क्या? थोड़ा ही थोड़ा लेकिन खाने में अच्छा लगता है क्या? यहाँ ज्यादा नहीं खाते हैं लोग, हम लोग तो खाली भात ही खाते हैं, यहाँ ज्यादा चावल नहीं खाते हम लोग, उधर चावल बहुत खाते हैं। यही वाला लिया हुआ है 130 रुपया और ये रोटी 11 रुपया पीस, और अभी हम लोग 10 रुपया में 2 पीस देता हूँ। हाँ ऐसे ही रोटी देगा लेकिन 2 पीस देगा, सब्जी भी साथ में देगा। यहाँ पे कॉल किए और मंगाए, भैया बोल दिए थे कि 9 नंबर डायल कीजिएगा ना तो लग जाएगा, इसीलिए 9 नंबर बटन को क्लिक किए तो लग गया। चलिए खाते हैं, खाना हम लोग खा लिए और अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो ये देखिए अभी रीना मेकअप कर रही है, चलिए हो गया, सिंदूर मंदूर सब लगा लिए और कल गए हुए थे डोमस बीच, आज दूसरा जगह जाएंगे है ना, पूरा घूमना हो गया। रखिए हाँ टिकली लगाइए बिंदी, हाँ हो गया, चूड़ी नहीं खोल रखी, खोल रखो अच्छा दिखेगा। हाँ रेडी हम लोग हो गए, अब चलेंगे है ना, ऑफ कर देते हैं लाइट, सब ऑफ हो गया, चलिए सब लोग कर रखते हैं। हाँ यही साइड घूमा, चलिए लॉक हो गया। और अभी हम लोग नीचे आ गए ऊपर से, और ये देखिए इधर का पूरा बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बहुत ही बड़ा बड़ा बिल्डिंग है क्या। चलिए चलो अभी आएंगे। और अभी हम लोग आ गए चाउमीन, ये देखिए चाउमीन खाने के लिए आए हुए हैं और ये प्याज है, चलिए खाते हैं, एक प्लेट है ना, खा करके बताओ। हाँ महंगाई इधर बहुत है, अगर क्या यहाँ पर 100 रुपये प्लेट है ठीक है, और अगर हाफ प्लेट लेना चाहिए तो 70 रुपये दे सकते हैं, उसका आधा नहीं मिल सकता है, 30 रुपये और ज़्यादा लेगा, इसलिए हम लोग फूल मंगा लिए। चलो खाइए, गर्मा गर्म है ठीक है, मस्त लग रहा, मस्त लग रहा है। बहुत ज्यादा हाँ पूरा गर्म, इसलिए हम भी जा रहे हैं ना, इसलिए
बहुत ही अच्छा लग रहा है, खाते हैं। चौमिन खा करके हम लोग निकल गए दुकान से, और ये देखिए इधर शाम शाम का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। चलिए, काफ़ी मस्त लग रहा है, रात भर गाड़ी चलता है यहाँ पे, सन्नाटा नहीं रहता और पूरा भीड़ रहता है। रात में हम लोग रूम आए और सो गए, और अभी सुबह हो चुका है तो अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से, है ना, क्योंकि समय हो गया है चेकआउट का। तो अब हम लोग रेडी हो गए हैं, सब कपड़ा ये सब साजेंगे, बैग में पैक करेंगे और चलेंगे। उधर बैग है, बैग लेकर के आते हैं, और यहाँ पे चार्जर ही सब है, चार्जर भी सब सस्ते हैं यहाँ पे, बैग। और आज भी पानी आने का मौसम क्या हुआ है ये देखिए, आज सूरज नहीं उगा हुआ है। चलिए सब पैक करते हैं जल्दी। रूम हम लोग बंद कर लें और बैग भी ले लें। चलिए, रूम से हम लोग निकल गए हैं और अभी ट्रेन नहीं है तो हम लोग दूसरा ट्रेन से जाएंगे। छयापुर से हम लोग का ट्रेन है, सूरत से नहीं है, तो अभी जाएंगे बस से। चलिए उधर आगे बस स्टेशन है, और अभी आ गए हैं दूध के होटल पे। यहाँ से हम लोग बादाम शेक पी लेंगे, ये देखिए बादाम शेक आ गया। चलिए लो चम्मच दीजिए, चलिए बादाम शेक खाते हैं। मस्त लगता है का बादाम शेक हम लोग पी लेंगे। चले जाओ, और अभी हम लोग होटल घुसे हुए हैं और यहाँ से हम लोग खा ले रहे हैं रोटी। तो रोटी आया हुआ है, ये चावल है उसी टाइप का है, कल खाए थे वैसा ही का, यहाँ ज़्यादा भात भी नहीं मिलता है, चावल थोड़ा सा मिला हुआ है और तीन रोटी मिला हुआ है। ये लेगा 125 रुपया, और एक रसगुल्ला भी है। खाना हम लोग खा लिए, हम लोग बस पकड़ेंगे और अभी आ गए हैं बस के पास। चलिए ऊपर चलते हैं, बैठो। हम लोग बस में बैठ गए हैं, कुछ ही देर में बस चलेगी, यानी आधा घंटा बाद चलेगी, 12 बजे पहुंच जाएंगे वडोदरा। वडोदरा से फिर रिक्शा में जाएंगे छयापुरी। और ये देखिए अभी बारिश हो रही है थोड़ा थोड़ा, दिन गया पूरा, ये बंद कर दिए क्योंकि इधर पूरा आ रहा था पानी, ऐसे पूरा पानी आ रहा था इधर, पूरा बस भर गया और चल गया वडोदरा की ओर, पानी भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हम लोग वडोदरा पहुंच गए, अब यहां से हम लोग जाएंगे छयापुरी, है ना। ये देखिए बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है, हाँ छयापुरी ही जाना है। चलिए पहले भाड़ा पूछ लेंगे, है ना, उसके बाद में जाएंगे। बहुत ही सारे यहाँ पे ऑटो है, ये देखिए इधर भी रिक्शा में हम लोग बैठ गए हैं। छयापुरी स्टेशन हम लोग पहुंच गए, अब अंदर जाएंगे, टेम्पो को भाड़ा दे दिए, चले गए टेम्पो। चलिए अब अंदर, ये रहा स्टेशन। और दोस्तों अभी हम लोग स्टेशन से बाहर निकल गए हैं क्योंकि हम लोग का ट्रेन कैंसिल कर दिया गया है, पता नहीं ऐसा क्यों ऐसा हो गया, आज नहीं आएगी तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाएंगे। देखते हैं भैया को कॉल करते हैं जो हमारे टिकट कटवा दिए हुए थे उनको, है ना, और फिर वो बताएंगे, उसे उसे करेंगे फिर चल जाएंगे। और यहाँ पे पूछे तो बोले जनरल में, तो जनरल में हम लोग बहुत ही दूर जाना है तो पूरा एकदम लोग रहते हैं, हाँ सोने के लिए भी दिक्कत होगा, तो इसीलिए जाना वहाँ अच्छा बात है जनरल में। तो देखते हैं भैया इन लोग को फ़ोन करते हैं। देखिए अभी कुछ इस प्रकार अभी मौसम है, और अब शाम होने ही वाला है, 6 बज गया है, तो
बैठते हैं उधर। और दोस्तों अभी स्टेशन के अंदर आ गए हैं और वो भैया को कॉल किए हुए हैं, तो भैया बोल रहे हैं कि टिकट कटवा दे रहे हैं, है ना देना। भैया को भी टेंशन हो गया, पहली बार आई हुई है और हम भी यहाँ पे पहली बार आए हुए हैं। एक बार रांची में हम लोग गए हुए थे विजय भैया के साथ और आनंद गुरु के साथ गए हुए थे, एक बार ट्रेन बैठे हुए थे तभी है। ये फर्स्ट बार है ना, इनको भी ख़राब लग रहा है, क्या करें, हो जाएगा। वो भैया बोले कि मुंबई तरफ पर टिकट मिलेगा, मुंबई से फिर दूसरा प्लान करना होगा, अब देखते हैं क्या होता है, सब अपडेट देते रहेंगे। भूख लग रहा है, यहाँ पे ना थोड़ा अच्छा खाना नहीं मिलता है, मतलब पूरा फ्रेश वीआईपी वाला मिलता है तो वो वाला खाने का भी मन नहीं करता, वही अच्छा लगता है। लेकिन कुछ और खा लेते हैं, जैसे चाउमीन भी इधर दूसरा मिलता है, हाँ वो सब भी। चलिए मोटा मोटा पूरा रहता है, हाँ कुरकुरे ये सब हम लोग खा लेते हैं। और क्या जी, रोटी, हाँ रोटी मिलता है तवा रोटी, तो वही खाते हैं, वही बहुत ही अच्छा लगता है का। हाँ अभी थोड़ा भूख लगा है, अभी देखते हैं कुरकुरे वगैरह खाएँगे। और आप लोग को दोस्तों अभी दिखाते हैं, हम लोग का टिकट कैंसल हुआ है, वो वाला टिकट है ना, निकालो कहाँ पे है। और ये देखिए ये रहा जंक्शन, चलिए ये था, दिखा पूरा यही वाला है ना, ये देखिए ये टिकट था, छयापुरी से आसनसोल था, तो हम लोग को बड़का काना में उतर जाना चाहिए, तो वहाँ पे उतर जाना था, तो ये कैंसल हो गया। अभी मोबाइल में दिखा रहा है, अभी दिखाते हैं आप लोगों को, बहुत ही बुरा लेकिन हुआ का। एक होटल वाले अंकल थे ना, वो बोल सही बोले एकदम कि हम लोग का बैग गिर रहा था, बादाम शेक खा रहे थे, वो गिलास भी गिर गया और बैग भी गिर गया, तो वो अंकल बोले कि आप लोग का खराब है, बैग भी गिर गया, वो अंकल सही बोलते हैं, अंकल बोले भी थे कि तुम लोग का साथ तो जरूर कुछ होगा, इसलिए ऐसा हो रहा, मोबाइल अच्छा संभाल के रखना है, सही बोले। हाँ चलिए आप लोग को ट्रेन दिखाते हैं कैंसिल हुआ है बोला। और ये देखिए दोस्तों यही ट्रेन हम लोग का कैंसिल हुई है, ये देखिए यहाँ पे लिख कैंसिल आज था वेडनेसडे का 11:05 में था, कैंसिल कर दी। चलिए और ये सबको रख दो रीना, वो अभी भैया कॉल करेंगे है ना, जैसा होगा देखेंगे, नहीं तो फिर रात में यही सोना होगा, बैग में डाल दो। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बाय बाय।